तो हमारे तिरंगे को जो है तो सम्मान के साथ नीचे जो है तो उतारने का वक्त आ चुका है। हमारे दादाजी उतार रहे हैं, देखिए तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। हाँ, आपको बहुत जानकारी, थोड़ा बता दीजिए स्कूल का, थोड़ा कैसे निर्माण हुआ था, कैसे कैसे उसका कहानी। जी जी, पैसा 5,000 जी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप लोग पता है, आज है 15 अगस्त, जिस पर हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए थे। सुबह हमने कार्यक्रम किया था इस विद्यालय में हमारे, लेकिन फिलहाल अभी हो गया शाम का वक्त जो है तो, और जो है तो हमारा झंडा देखिए काफी बढ़िया तरीके से फहर रहा है। अभी उसको शाम के वक्त जो है तो झंडे को जो है तो उतारने का वक्त आ चुका है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर हम तो आए थे, साथ में हमारे मित्र लोग, काफी सारे मित्र जो है तो आ चुके हैं। सुबह इनको इन्वाइट किया गया था लेकिन आ नहीं पाए थे, लेकिन अब जाकर जो है तो मिल चुके हैं। कोई नहीं, ध्वजारोहण पे नहीं पहुँच पाए लेकिन ध्वजा को निकालने के टाइम पे पहुँच चुके हैं। तो सभी का स्वागत है यहाँ पर, और एक बार थोड़ा जयकारा लगा दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो गाइस, ऐसा ही कुछ है। अभी देखिए थोड़ा शाम ढलने को आ गई है, 5:30 बज चुके हैं। अभी थोड़ा जो है तो अपना सूरज जो है तो रोशनी बिखेरे पड़ा हुआ है, थोड़ा शाम हो जाए इसके बाद जो है तो हम लोग झंडे को उतारने कार्यक्रम जो है करेंगे। फिलहाल अभी सब भाई साहब लोग आए हुए हैं तो झंडे ले लेकर देखिए फोटोबाजी चल रहा है इन लोगों का, और इधर पे झंडा भी लगा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं ठीक है, आप लोग जो है अपना बाकी कार्यक्रम कर लीजिए, इसके बाद अगला कार्यक्रम जैसा हमारा आएगा तो हम फिर बताएंगे। आदमी हो चाहिए ना? नहीं नहीं, अबे नहीं उतारे है ना आप? हाँ नहीं तो हो गया अपना, हम कहे कि आ जाए, अब थोड़ा मित्र लोग भी मिल गए थे आज, तो हम सोचे कि बढ़िया अच्छी बात है सुबह। जी जी, ये हमारे दादाजी हैं फूलचंद साहू जी हैं, जिनके उपलक्ष में जो तो जिनके ही रहते में जो है तो स्कूल का जो है तो न्यू बना हुआ है, स्कूल का जो है निर्माण हुआ है इन्हीं की बदौलत हुआ है। क्योंकि हमारा जो विद्यालय था पहले, शिक्षा गारंटी आपने सुना ही होगा हैं, हर घर में चाहे बूढ़े हो जवान हो सभी के लिए शिक्षा जो अनिवार्य था, है ना। तो उस टाइम पर चालू किया गया था हमारे श्री प्रधानाध्यापक जो हैं तो राम भजन साहू सर, उनके द्वारा। तो पहले पेड़ों के नीचे जो है तो पढ़ाई करवाते थे। जी जी, हाँ आपको बहुत जानकारी, थोड़ा बता दीजिए स्कूल का, थोड़ा कैसे निर्माण हुआ था, कैसे कैसे उसका कहानी। फिर वहाँ घर में उनको बसाया। जी जी, पंचायत से पैसा 5,000 अतिबल सिंह सरपंच। जी जी, वो जमाने लिया तो फिर कच्ची घर बना वाला गन बच्चू लग सामने। उसमें व्यवधानी पैदा होगा काम हम। हाँ भाई, खेत जमीन पड़ जाता है। हाँ, फिर वहाँ से हटाया गया, फिर ये मिशन से हुआ जब। मिशन जो अध्यक्ष और सचिव को। हाँ हाँ जी जी, फिर मारे ठेकेदार लोग मारे वीर आवे लागे नहीं। जी जी, कि हमको ठेका कहें ठेका न दे। ये पहले वहाँ जो हमारा वो बड़े वाला बच्चा का घर है ना, उसके आगे थोड़ा रोड के किनारे में वहाँ बना व्यक्ति आए, तो वहाँ से फिर कहीं हम न बन में दे। ये जो है यह गढ़ा है, ये जो हरा हरा चीज लगी हुआ है ना। जी जी, वो पोखरी टाइप का। हाँ हाँ, वो गढ़ा है ही अभी भी है। पूजा पहाड़ी लगा था विश्व मान पोखरी। राम सुंदर पटवारी रहे वो जमाने में। हाँ हाँ, कहीं मिला नम्मा। जी, हमारा भाई की नम्मा पूरा रहा था डबला देवस्थानी स्थान है, कसके कहा करा जाए। फिर कानगो साहब रहा तो कहीं हम बताएं कि यह है चरोखर है हमारे यहाँ पे रामपाल सिंह, इनके जोतकार है। हाँ जी, हमारे आपसे बता दे जो संकुल प्रचार है हमारे इस विद्यालय के हैं, हमारे भी हैं खुद इस विद्यालय के, उन्हीं का जो है तो यहाँ से जो नज़र जा रही जहाँ तक ये सब उन्हीं का जमीन है, और वो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जिस कारण से वो शिक्षा को देखते हुए बच्चों के भविष्य के लिए ये इतना जमीन जो है तो अपने जो है तो सरकारी स्कूल के नाम कर दिया। देखिए अभी ये विद्यालय खड़ा हुआ है, सिर्फ उन्हीं की बदौलत उनका जमीन दिया हुआ है। जी, उनका नाम है श्री रामपाल सिंह, जो है तो ठाड़ी पातर से हैं और आपके शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रचार हैं और हमारे संकुल प्रचार हैं।
हम लोग सब सहयोग दिए, काम भी किए, नेव भी कोरे, तैयारी भी किए, भरपूर की ताकि हमारे यहाँ का विद्यालय सब जी जी जितना लोगों से मदद किया गया है जी जी तन धन मन से बिल्कुल हम लोग दसों इंद्रिय से अपना कर्तव्य निभाए हैं। आज जो कि हमारे लड़के नाती लोग यहाँ विद्यालय में प्रवेश होते हैं और गुरु जी ले शिक्षा दे रहे हैं जी जी, और उसी की बदौलत हम भी आज यहाँ पर जो तो पोस्टिंग हुई है हमारी बहुत अच्छी जी जी। हम लोग आपको आए में एकदम खुशहाल हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं, अपना घर का बच्चा है आप, हमारे यहाँ भाई मित्र दोस्त यार सभी लोग जो है इकट्ठे हो चुके हैं और सोच रहे हैं हमारे जो है तिरंगे को सम्मान के साथ रखने से पहले थोड़ा उसके साथ सेल्फी ले लीजिए, हाँ फहराया जाए, क्योंकि सुबह टाइम पे तो थे नहीं, तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से फहरा रहे हैं, आप तो हाथों से फहरा रहे, लेकिन हमारा उधर पीछे तिरंगा देखिए अपने आप से फहर रहा है, ये देखिए क्या बढ़िया आसमान की ऊँचाइयों में पहुँच के। तो जैसा कि अभी देखिए हमारे दादाजी आ चुके हैं और अभी शाम का वक्त हो भी चुका है, तो हमारे जो है तो हमारे तिरंगे को जो है तो सम्मान के साथ नीचे जो है तो उतारने का वक्त आ चुका है, हमारे दादाजी उतार रहे हैं, देखिए तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर दोस्त में तैयार भी लगे हुए हैं और हमने सुबह काफी अच्छी तरीके से बांधा था कि ताकि हमारा तिरंगा कहीं हवा के झोंकों से उड़ न जाए, और हमारे मित्रगण यहाँ पर देखिए साथ में मदद कर रहे हैं, उसको निकालने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन एक बात है कि अभी तक हम अभी दोस्तों से परिचित नहीं हैं, इस हमारे दोस्त जो हैं इनके बदौलत जो है तो प्राप्त हुए हैं, यहाँ रवि सिंह बैठे हुए हैं, ये हमारे खास मित्र हैं जिनके कारण सभी से परिचय हुआ है, लेकिन अभी सभी को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना अपना परिचय दीजिए थोड़ा, ताकि अगली बार जब भी वीडियो में आए या फिर हमसे भी परिचित हों तो हम थोड़ा आप लोगों से अच्छे से मिल पाए, नाम लेकर तो कम से कम बुला पाए, अभी तो हेलो यार हेलो दोस्तों बोल रहे हैं, तो बताइए। मेरा नाम है योगेश सिंह, मैं ग्राम बिजवार से हूँ जी जी, यहाँ चरकी पानी घूमने आए थे। हाँ जी जी, और इनसे तो परिचित होंगे, इनके साथ वीडियो भी हमारी बन चुकी है कई बार। हाँ, और जीवन कुमार सिंह अंशु जी जी, हाँ यहीं आया था घूमने, आप मिल गए, आपके साथ मैं। हाँ बहुत बढ़िया, और यहाँ पर भाई साहब जी, मेरा नाम यशदीप सिंह है जी, सिलवार जी। सब सिलवार गिजवार वाले हैं, और ये हमारा फ्रेंड है, इसको आप अगर इसको देखना होगा तो हमारी पूरी वीडियो यूट्यूब में जाके खंगालनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा ये दोस्त हमारा, हम इनको परिचय नहीं बताएंगे। और इधर पे सामने जी भाई साहब, मेरा नाम संघर्ष सिंह है जी, सिलवार सब दोस्तों के साथ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप? मेरा नाम आनंद चैनवा है, गिजवार से। आए थे घूमने, हो गए तो ऐसे रास्ते में पहचान बन गई जी जी जी। अरे ऐसे ही आदमी मिलता है सबसे, हैं पहली बार ही मिलेगा और ऐसे परिचित होगा तभी सभी को पहचानेगा जानेगा जी। मेरा नाम है गौरव सिंह जी जी, मैं यहाँ संसार में आया था 15 अगस्त मनाने जी जी, लेकिन आप लेट हो गए। हाँ, मैं लेट हो गया, आपसे मेरी मुलाकात हुई, मैं आपके साथ आगे आएगा जी जी। अच्छा, आपके बारे में थोड़ा बहुत और सुनाओ, सोशल मीडिया में भी रहते हैं शायद आप? हाँ, मैं सोशल मीडिया में रहता हूँ, मैं गेमर हूँ, मैं पबजी खेलता हूँ, BGMI। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है गौरव गेमिंग के नाम से। हाँ हाँ, और इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा नाम है गौरव सिंह 750 जी जी जी, मैं और ट्विटर में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं गौरव सिंह मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, तो गाइज आप लोग
आपने सुना ही होगा, नहीं सुन पाया होगा तो वापस से वीडियो रिपीट करिए। मुझे भी अभी याद नहीं क्या क्या इन्होंने बोला, लेकिन इनके जरूर चैनल जो भी होंगे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इनको इंस्टाग्राम पर। और अच्छे गेमर हैं, हमने तो अभी देखा नहीं फिलहाल, सॉरी इसके लिए, बट चैनल पे आकर के आप देख सकते। जी जी बिल्कुल, हम भी जाके देखेंगे, आप भी देखिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, सब हमारे भाई यार मित्र दोस्त सभी लोग हैं। तो और इधर भाई साहब कुछ छूट गए थे। जी हमें अमन कुमार सिंह जी जी सिलवाड़ से बिलोंग करते हैं। हम आए थे दोस्तों के साथ घूमने और आए तो आपसे मुलाकात हो गई। जी जी पता चला कि झंडा उतारने के लिए है, साथ आ गए। नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा हमको भी मिलके आपसे। और आपका चैनल हरिओम, हाँ जी जी हरिओम या फिर ओम छोटिया ब्लॉग से नाम, बाकी हरिओम भी अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद, शेयर करें। और एक भाई साहब छूट रहे झंडा तिरंगा फहराते हुए भी, ये देखिए हरिओम साहू। अच्छा देखिए हमारे सहनाव जी मिल चुके हैं, क्योंकि हमारा भी नाम हरिओम सिंह है और ये सामने हमारे पहली बार आज परिचित हो रहे हैं अपने सहनाव से। सहनाव मतलब होता है गाइस कि हमारा जो नाम सेम होता है। तो जी बताइए हरिओम जी। जी 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 नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए काफी सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए, सभी से हमने परिचय कराया, क्योंकि आपके साथ परिचय के साथ साथ हमारा भी परिचय हो गया, हम भी उनसे परिचित हो गए और सभी ने हमारा मिलकर सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्त यार लोग आए, उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को भी अंत करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमारा तिरंगा जो है तो सम्मान के साथ नीचे उतार दिया गया है और हम अपने विद्यालय में रख चुके हैं। ये फिलहाल हाथों वाला है, इसको रख दिया जाएगा अभी अपने जो है तो फोटो लेने के लिए रख लिया गया है। तो देखिए दोस्तों सभी लोग जो है तो हमारे मित्र लोग यहाँ पर अब खड़े हो चुके हैं और इसी के साथ हमारी वीडियो भी अंत करने का समय आ चुका है। क्यों नहीं, अंत करने से पहले आज स्वतंत्रता दिवस है तो एक बार जोरदार नारा लगाया जाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। तो गाइस काफी मजा आ गया आज के दिन पे, हम सुबह से ही काफी मजे में हैं, हर्षोल्लास के साथ हमने कार्यक्रम भी किया, वो वीडियो भी पड़ी है, वो भी अब क्या ही बताएं, काफी सारी वीडियो हमारी अटकी पड़ी हुई है, तो धीरे धीरे आएगा आप लोगों के पास, जैसे आएगा आप लोग नोटिफिकेशन मिलेगा। आप प्लीज़ जाकर देखिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी साथ मिलेंगे अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक साथ, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। हाँ।